गैरेज 360 हिंदी में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है प्रणय और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी एक चीज़ के बारे में जो हर शाओमी स्मार्टफोन यूज़र के दिल के एकदम करीब है और वो है विज्ञापन कैसे निकालते हैं। अब शाओमी का आपने कोई भी स्मार्टफोन खरीदा होगा आपको तो दिख ही गए होंगे इतने सारे स्पैमी नोटिफिकेशन, विज्ञापन, कुछ ऐप इंस्टॉल करते टाइम पर भी ऐड आ जाते हैं, फिर आप कुछ फोल्डर खोलेंगे वहाँ पर भी प्रमोटेड ऐप्स दिखाई देते हैं। तो इन सारी चीज़ों को कैसे हटाना है इसके बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में, क्योंकि अभी MIUI 12 आ चुका है। काफ़ी सारे नए स्मार्टफोन ने बजट फोन में भी MIUI 12 मिल रहा है आपको और MIUI 12 के साथ में वही सारे विज्ञापन वापस आ चुके हैं, उतने स्पैमी नोटिफिकेशन भी आ चुके हैं यहाँ पर। अब पहले हमने जब वीडियो बनाए थे आपने कमेंट करके बहुत बोला कि MIUI में जो विज्ञापन आते हैं वो आपको पसंद नहीं है और कैसे निकालना है वो बता दीजिए, इसीलिए आपके बना रहे हैं हम ये वीडियो। तो इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी हमारे नए वीडियोज़ बनते हैं, और साथ में अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आते तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिए इन वीडियो को ताकि उनको भी पता चले कि MIUI 12 में से विज्ञापन निकालते हैं तो कैसे। और आप कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस टाइप के और ट्यूटोरियल चाहिए आपको, MIUI 12 में विज्ञापन होने चाहिए, स्पैमी नोटिफिकेशन से आपको कोई दिक्कत होती है या नहीं, आपकी राय में जरूर जानना चाहता हूं। तो सबसे पहले हम जाएंगे सेटिंग्स में, फिर पासवर्ड्स और सिक्योरिटी पे टैप करेंगे और फिर ऑथराइजेशन एंड रिवोकेशन पर। अब यहाँ पर जाके आपको MSA डिसेबल करना है। MSA का फुल फॉर्म है MIUI सिस्टम एड्स। ध्यान रखिए कि आपके इंटरनेट कनेक्शन को आपको ऑन करके रखना पड़ेगा इसके लिए, अदरवाइज आप इसे डिसेबल नहीं कर पाएंगे। और ये करने के बाद में आप जब डिसेबल करेंगे तो आपको एक प्रॉम्प्ट दिखाई देगा जिसमें एक 8 सेकंड का टाइमर होगा। रिवोक बटन पर टैप कीजिए। इसके बाद में नीचे स्क्रॉल करके गेट ऐप्स को भी डिसेबल कर दीजिए। अब फिर से जाइए सेटिंग्स, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, और वहाँ पर आप जाइए प्राइवेसी में। नीचे स्क्रॉल करके आप ऐड सर्विसेज सिलेक्ट कीजिए और पर्सनलाइज ऐड रिकमेंडेशन डिसेबल कर दीजिए। ये डेटा कलेक्शन बंद कर देता है जिसके द्वारा Xiaomi आपको एड्स दिखाती है। चलिए अब जाते हैं हम डाउनलोड्स ऐप में, हैमबर्गर मेन्यू पर टैप करेंगे, सेटिंग सिलेक्ट करेंगे और शो रिकमेंडेड कंटेंट को डिसेबल कर देंगे। इसके बाद में हम जाएंगे फाइल मैनेजर के पास में, ऐप खोल के हैमबर्गर मेन्यू में टैप करेंगे जो टॉप लेफ्ट में है, और उसके बाद में अबाउट में जाकर रिकमेंडेशंस को डिसेबल कर देंगे। चलिए अब म्यूजिक ऐप खोल लीजिए, वहां पर हैमबर्गर मेन्यू में जाइए, फिर सर्विस एंड सेटिंग्स में जाइए और वहाँ पर आप एडवांस सेटिंग्स सेलेक्ट कर दीजिए और नीचे स्क्रॉल करके रिसीव रिकमेंडेशन को डिसेबल कर दीजिए। यहाँ पर आप दूसरे रिकमेंडेशन भी डिसेबल कर सकते हैं जैसे कि ऑनलाइन रिकमेंडेशंस, ऑन स्टार्टअप और सॉन्ग रिकमेंडेशंस। सिक्योरिटी ऐप में जाइए अभी और उसे खोल के सेटिंग्स बटन पर टैप कीजिए और रिसीव रिकमेंडेशन को बंद कर दीजिए। थीम्स ऐप में नोटिफिकेशन डिसेबल करने के लिए आप ऐप को खोल दीजिए, माय पेज में जाइए, सेटिंग्स में जाइए और रिकमेंडेशन का टॉगल डिसेबल कर दीजिए। तो MIUI 12 में कुछ फोल्डर्स ऐसे हैं जैसे कि टूल्स वगैरह जहाँ पर कुछ प्रमोटेड ऐप्स दिखाई देते हैं, तो ये ऐप्स इंस्टॉल नहीं होते लेकिन वो सजेशन होते हैं कि आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए, आप इसे क्लिक कर देंगे तो इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। तो इसे डिसेबल करने के लिए एक तरीका है, आप फोल्डर पे एक बार लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपको वो दिख जाएगा, मैं आपको डिटेल में अभी दिखाता हूँ। तो वहाँ पर आप फोल्डर के नाम को टैप करके होल्ड कीजिए और उसके बाद में उसके रीनेम करने का ऑप्शन जो आता है उसके नीचे प्रमोटेड ऐप्स का एक टॉगल होगा जिसे आप डिसेबल कर दीजिए। इसके बाद में भी कभी कभी कुछ स्पैमी नोटिफिकेशन आ जाते हैं आपको, तो उन्हें बंद करने के लिए नोटिफिकेशन पर स्वाइप लेफ्ट कीजिए, सेटिंग्स आइकन दबाइए और उस सर्विस की नोटिफिकेशन को आप डिसेबल कर दीजिए। आप अलग से सेटिंग्स में जाके, नोटिफिकेशंस में जाके नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं एड्स डिसेबल करने के लिए अलग अलग ऐप से। अगर आप Xiaomi का कोई भी स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि कभी कभी ऐप्स वगैरह इंस्टॉल करते समय वहाँ पर भी एक विज्ञापन आ जाता है। अब ये मुझे बहुत इरिटेटिंग लगता है, तो इसे डिसेबल करने का तरीका आप देख लीजिए। अब अभी सिक्योरिटी ऐप खोल लीजिए, सेटिंग्स पर टैप कीजिए और सिक्योरिटी स्कैन दबाइए और इसके बाद में आप स्कैन बिफोर इंस्टॉलिंग को डिसेबल कर दीजिए।
ऐप इंस्टॉल करते समय जो स्कैनर दिखता है वो नहीं दिखाई देगा अगर आप इसे डिसेबल करते हैं तो। तो ये थी सारी स्टेप्स MIUI में से स्पैमी नोटिफिकेशन और विज्ञापन हटाने के लिए। MIUI 12 के लिए हमने अपडेट कर दिया ये वाला गाइड, इसीलिए मुझे आशा है कि आपके MIUI 12 स्मार्टफोन में आप सारे विज्ञापन और स्पैमी नोटिफिकेशन निकाल पाएं। कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। टेक्नोलॉजी की और जानकारी चाहते हैं तो hindi.gadgets360.com पे जरूर जाइए। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर सब्सक्राइब भी कर दीजिए।